नमस्कार, मैं डॉक्टर सोमेंडे, मैं यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट एंड यूरोलॉजिस्ट एंड आई एम प्रैक्टिसिंग इन नवी मुंबई एंड मुंबई. टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस ए लिटिल अबाउट प्रोस्टेट कैंसर. प्रोस्टेट क्या है? प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में है. यूरिनरी ब्लडर, जहाँ पे पेशाब जमा होती है किडनी से प्रोड्यूस होने के बाद, और यूरेथ्रा, जहाँ से ब्लडर से पेशाब बाहर निकलती है थ्रू द पेनिस, एक ट्यूब है. तो यूरेथ्रा के जो बिगिनिंग है, फर्स्ट पार्ट है, उसके सराउंडिंग में एक ग्लैंड है जो उसको एनसर्कल करके रखती है, उसको प्रोस्टेट बोलते हैं. प्रोस्टेट का फंक्शन क्या है? ये फर्टिलिटी, रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है. तो रिप्रोडक्टिव एज ऑफ द मेल, रिप्रोडक्शन के जब फंक्शन की ज़रूरत नहीं है तो प्रोस्टेट कैंसर का फंक्शन कुछ रह नहीं जाती है. पर एक ग्लैंड उम्र के साथ साथ बड़ा होता है और एज के साथ साथ इसमें ट्यूमर होने के चांसेस रहती है, जो यूजुअली कैंसरस होता है. इसको हम प्रोस्टेट कैंसर या एडेनोकार्सिनोमा प्रोस्टेट बोलते हैं. तो प्रोस्टेट कैंसर हम कैसे डायग्नोस करते हैं? कुछ सिम्टम्स होते हैं इसके, कुछ साइंस होते हैं, मतलब कुछ तकलीफ क्या जिसके साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं. यूजुअली पेशाब की जो तकलीफ़ होती है, जैसे पेशाब का फ्लो कम होना, पेशाब स्टार्ट होने में टाइम लगना, पेशाब रुक रुक के आना, बार बार जाना, ये सब प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट के सिम्टम्स हैं. अभी प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट बिनाइन या फिर नॉन कैंसरस भी हो सकते हैं, प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट कैंसरस भी हो सकते हैं. तो सिम्टम्स दोनों कंडीशन में, जिसको हम बीपीज बोलते हैं नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट को और कैंसरस एनलार्जमेंट को सीए प्रोस्टेट, दोनों कंडीशन में सिम्टम्स कॉमन है. पर हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवेल्युएशन हम कुछ पेशेंट का एग्जामिन करते हैं. एक टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन. इसमें सर्जन अपना फिंगर्स में ग्लव्स डाल के उसमें जेली लगा के अपने एनल कैनल से एनस में से फिंगर डाल के प्रोस्टेट को पल्पेट करते हैं और देखते हैं प्रोस्टेट का ग्लैंड हार्ड है कि नहीं, नोड्यूलर है कि नहीं. एक चीज़ हो गया. सेकंड हो गया ब्लड टेस्ट, जिसमें बायोकेमिकल एनालिसिस, पीएसए नामक एक टेस्ट है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन. तो ये दोनों चीज़ों के द्वारा टुगेदर हमको प्रोस्टेट कैंसर की प्रोबेबिलिटी मालूम चलती है. किसी का पीएसए ज़्यादा है, मोर देन 3, मोर देन 4, यूजुअली हम सस्पेक्ट करते हैं कि पीएसए ज़्यादा है. फिर उसमें बहुत सारे वैल्यूज, जैसे फ्री पीएसए, पीएसए डेंसिटी, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को ऐड करके रेक्टल एग्जामिनेशन के साथ हम डिसाइड करते हैं कि ये प्रोस्टेट कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी है. अगर हमको प्रोस्टेट कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी लगती है तो हम प्रोस्टेट बायोप्सी करते हैं, या समटाइम्स नाउडेज वी आर ऑल्सो डूइंग, मोर ऑफन वी आर डूइंग एमआरआई. तो अगर पीएसए 10 से नीचे है, हम एक एमआरआई करते हैं. एमआरआई में देखते हैं पायरेट स्कोर कितना है. पायरेट स्कोर अगर 1 से लेकर 5 तक होता है, 1-2 में यूजुअली कैंसर के चांसेस बहुत कम है, हम बायोप्सी नहीं करते. पर पायरेट स्कोर अगर 4 और 5 है तो हम बायोप्सी, प्रोस्टेट बायोप्सी करते हैं, जो सोनोग्राफी गाइडेड प्रोस्टेट बायोप्सी होता है. बट अगर पीएसए 10 से ऊपर है तो हम एमआरआई नहीं करते, हम यूजुअली डायरेक्टली बायोप्सी के लिए बोलते हैं, या फिर रेक्टल एग्जामिनेशन में अगर हार्ड है तो हम बायोप्सी के लिए बोलते हैं. बायोप्सी कैसे किया जाता है? बायोप्सी एक ओपीडी टेस्ट है जो रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट सोनोग्राफी के माध्यम से, एक रेक्टम में प्रोब डाल के सोनोग्राफी के माध्यम से प्रोस्टेट को देखा जाता है, और प्रोस्टेट से 10 या 12 कोर छोटे छोटे पीसेस निकाल के पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं. पैथोलॉजिस्ट एग्जामिन करके उसके रिपोर्ट देते हैं कि भाई इसमें प्रोस्टेट कैंसर है कि नहीं है. तो एक बार प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोसिस होने के बाद में क्या रहता है? पहले तो कंसर्न रहते सारे पेशेंट्स को, नहीं प्रोस्टेट कैंसर है, कैंसर है, कैंसर इज ऑब्वियसली ये फेयरसम डिजीज़. बट टू बी ऑनेस्ट, कि प्रोस्टेट कैंसर अगर अर्ली स्टेज में हम डिटेक्ट करते हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट 100% क्यूरेबल, 100%, ऑलमोस्ट नियर टू 100% इट इज़ क्यूरेबल. बट जब इसके स्टेज ज़्यादा है, मतलब कैंसर अगर फैल जाता है प्रोस्टेट के बाहर, तो धीरे धीरे क्योर का चांसेस कम हो जाती है. तो ऐसा कुछ खतरनाक बीमारी नहीं है अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए डिजीज़ को. तो जब सिम्टम्स ज़्यादा हो या प्रोस्टेट, अगर पीएसएस हम टेस्ट करते हैं, यूरोलॉजिस्ट देखते हैं, तो अर्ली स्टेज में प्रोस्टेट कैंसर का डिटेक्शन पॉसिबल है. एक बार प्रोस्टेट कैंसर के डायग्नोसिस होने के बाद नेक्स्ट रहता है हम कैसे ट्रीट करें. तो फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट इज, हम देखते हैं कि पेशेंट का स्टेज क्या है, मतलब प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट में कन्फाइंड है कि प्रोस्टेट के बाहर गया है. तो उसके लिए हम टेस्ट करते हैं, कभी बोन स्कैन, कभी सीटी स्कैन, कभी एमआरआई, कभी पीएसएमए पेट स्कैन. डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, आपके यूरोलॉजिस्ट आपको टेस्ट एडवाइस करेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि ट्यूमर लोकलाइज्ड है. लोकलाइज्ड मतलब ग्रॉसली, हम अगर इन लेमेंस टर्म हम डिस्क्राइब करें तो एक होती है लोकलाइज्ड, एक होती है लोकली एडवांस्ड, और होती है मेटास्टेटिक. लोकलाइज्ड मतलब ट्यूमर प्रोस्टेट के अंदर सीमित है, प्रोस्टेट के आजू बाजू के ऑर्गन्स में नहीं गए हैं. लोकली एडवांस्ड मतलब
ट्रू पेल्विस, मतलब हमारे पेट के नीचे वाला जो भाग है उसको बोलते हैं पेल्विस और ट्रू पेल्विस। पेल्विस के अंदर अगर डिजीज है, मतलब प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल्स और यहाँ पे वहाँ पे लिम्फ नोड्स में गिर आती है, तो उसको हम लोकली एडवांस डिजीज बोलते हैं। बट जब वो पेल्विस के बाहर चले जाते हैं, लीवर में गया, बोन में गया, पेट के लिम्फ नोड्स में गया, तो हम उसको मेटास्टेटिक डिजीज बोलते हैं। तो ट्रीटमेंट चेंज हो जाती है फ्रॉम लोकलाइज डिजीज टू लोकली एडवांस डिजीज टू मेटास्टेटिक डिजीज। लोकलाइज डिजीज के लिए हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं? लोकलाइज डिजीज के लिए टू इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है, एक है सर्जरी और एक रेडिएशन। सर्जरी में ऑपरेशन के द्वारा, चाहे ओपन सर्जरी हो, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो या रोबोटिक सर्जरी हो, प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाता है। रिमूव करने के बाद में कैथेटर रहता है जो बाद में निकलती है, इससे प्रोस्टेट ग्लैंड पूरा निकल जाता है। इसको बोलते हैं रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी, इस सर्जरी का नाम है रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी। ये ओपन भी कर सकते हैं हम, लैप्रोस्कोपिक भी कर सकते हैं, रोबोटिक भी कर सकते हैं, बट यूजुअली हम इसको ओपन या रोबोटिकली करते हैं। लैप्रोस्कोपिकली इट इज़ फाउंड टू बी अ वेरी डिफिकल्ट सर्जरी, बट वी आर नाउडेज डूइंग अ लॉट ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ऑल्सो, बिकॉज रोबोटिक सर्जरी बीइंग कॉस्टली, एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड, सो पीपल हु आर नॉट अफोर्डिंग वी आर ऑल्सो गिविंग देम, ऑफरिंग देम लैप्रोस्कोपिक एंड ओपन सर्जरीज ऑल्सो। तो ये सर्जरी हो गया एक पार्ट। सेकेंड पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, पार्ट बी इज, और अगर कोई सर्जरी नहीं करवाना चाहता है तो क्या ट्रीटमेंट है? रेडिएशन। रेडिएशन थेरेपी भी अकॉर्डिंग टू लिटरेचर इक्वली इफेक्टिव है रेडिएशन पर, हार्मोन प्लस हार्मोन थेरेपी दोनों मिला के इक्वली इफेक्टिव है। तो हम पेशेंट को कौन सा सजेस्ट करते हैं? यूजुअली जब पेशेंट का सिम्टम्स रहते हैं, पेशाब की डिफिकल्टी का, अगर सोनोग्राफी में ऑपरेशन के पहले देखा जाता है कि काफ़ी पेशाब रह जाती है, पेशाब ठीक से नहीं हो रहा है, जिनको हम लोअर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स बोलते हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर रहता है तो हम यूजुअली पेशेंट्स को सर्जरी के लिए सजेस्ट करते हैं। और अगर लोअर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं है, सिर्फ पीएसए बढ़ा हुआ था, हमको अभी प्रोस्टेट कैंसर मिला है, तो हम यूजुअली रेडिएशन और हार्मोन दे सकते हैं, अदरवाइज दोनों इक्वली इफेक्टिव है। पर जब सिम्टम्स रहते हैं, जिसको पेशाब करने की तकलीफ रहती है, तो यूजुअली सर्जरी इज ऑलवेज बेटर। बिकॉज व्हाई सर्जरी इज बेटर? बिकॉज सर्जरी के बाद हम बाद में रेडिएशन दे सकते हैं अगर रिकरेंस हुआ, पर रेडिएशन अगर हमने दिया और रिकरेंस हुआ या फिर डिजीज पूरा ख़त्म नहीं होती है, सालवेज सर्जरी जिसको हम बोलते हैं, रेडिएशन के बाद सर्जरी करना बहुत डिफिकल्ट है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर डूइंग द सर्जरी ऑल्सो एंड ऑल्सो टू गिव द पेशेंट कॉन्टिनेंस, मतलब यूरिन उसका लीक नहीं हो, सेक्शुअल फंक्शन प्रिजर्व करना, ये सब चीज़ रेडिएशन के बाद के जो सर्जरी है, जिसको हम सेल्वेज प्रोस्टेक्टमी बोलते हैं, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो जब पेशाब के सिम्टम्स होते हैं, हम प्रोस्टेक्टमी करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दैट लोकलाइज डिजीज़ का ट्रीटमेंट क्या है। लोकली एडवांस डिजीज, लोकली एडवांस डिजीज में अगेन रेडिएशन इज लिटिल बेटर, रेडिएशन इज लिटिल बेटर। एंड अगर सिम्टम्स नहीं हो, यूरिनरी सिम्टम्स, तो रेडिएशन हार्मोन डायरेक्टली बोल देते हैं, बट हम इसमें भी सेम चीज़ सर्जरी ऑफर कर सकते हैं पेशेंट को। लोकली एडवांस डिजीज में सर्जरी के बाद में बहुत बार रेडिएशन लगता है, डिपेंडिंग ऑन द बायोप्सी रिपोर्ट सेकेंडरी रेडिएशन लग सकता है, बट स्टिल सर्जरी फॉलोड बाय रेडिएशन और रेडिएशन पर्सी बोथ आर ऑप्शंस। थर्ड इज मेटास्टेटिक डिजीज, लोकली एडवांस देन मेटास्टेटिक डिजीज। मेटास्टेटिक डिजीज में क्या होता है कि ट्यूमर प्रोस्टेट के बाहर एब्डोमेन में और बोन्स में स्प्रेड हो जाती है। हमको कैसे मालूम चलती है? जब हम वर्कअप करते हैं, जो हम मैंने आपको बताया प्रोस्टेट बायोप्सी के बाद हम स्कैन्स करते हैं, बोन स्कैन, एमआरआई, सीटी स्कैन और पेट स्कैन, इससे हमको मालूम चलता है कि दूसरे ऑर्गन्स में स्प्रेड हुआ है कि नहीं। मेटास्टेटिक डिजीज में हम सर्जरी के ऑप्शंस कभी नहीं देते पेशेंट को, ना कि बहुत बार रेडिएशन कभी हम देते हैं। हम यूजुअली जो ट्रीटमेंट देते हैं, इसको हम बोलते हैं हार्मोन थेरेपी, बिकॉज प्रोस्टेट कैंसर टेस्टोस्टेरोन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम कर दें या फिर टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन को ब्लॉक कर दें, हम प्रोस्टेट कैंसर को काफ़ी दिन तक कंट्रोल में रख सकते हैं। मेटास्टेटिक डिजीज का प्रॉब्लम ये है कि 5 ईयर सर्वाइवल, मतलब बिना कैंसर स्पेसिफिक, मतलब डिस्पाइट हैविंग प्रोस्टेट कैंसर, पेशेंट का 5 ईयर कैंसर के कारण डिटरेशन नहीं होगा, डेथ नहीं होगा, मोबिलिटी नहीं होगा, इज अराउंड 30%। मतलब 1/3 ऑफ द पेशेंट डिस्पाइट हैविंग अ मेटास्टेसिस विल डू गुड एट 5 ईयर्स इफ ट्रीटेड। सो दिस इज मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट। एक कमन सवाल होती है पेशेंट्स का कि सर्जरी या रेडिएशन के बाद मेरा प्रोस्टेट कैंसर वापस आ सकता है कि नहीं, जिसको हम रिकरेंस बोलते हैं। रिकरेंस के चांसेस रहती है, ये अनकमन नहीं है, एट द ट्यून ऑफ अराउंड 15-30% रिकरेंस के चांसेस रहती है ओवर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स।
रिकरेंस हम कैसे बोलते हैं, हम पेशेंट का पीएसए मॉनिटर करते रहते हैं पोस्ट सर्जरी और पोस्ट रेडिएशन। जब पीएसए बढ़ जाती है और सिम्टम्स नहीं रहता है, इसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल रिकरेंस। जब पीएसए बढ़ती है उसके साथ में इमेजिंग में हमको कहीं पे मेटास्टेसिस मिलता है या पेशेंट को सिम्टम्स रहता है, जैसे सिम्टोमेटिक रिकरेंस और रेडियोलॉजिकल रिकरेंस, ये दोनों के ट्रीटमेंट अलग अलग है। यूजुअली बायोकेमिकल रिकरेंस को हम ऑब्जर्व करते रहते हैं पेशेंट को, जब तक पीएसए डबल जल्दी जल्दी नहीं होता है तब उसको ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं बोलते हैं। इनिशियली दिस पेशेंट अगेन विल सर्वाइव रीजनेबल गुड अमाउंट ऑफ सर्वाइवल थ्री इन यूजुअली टू सर्वाइव मोर देन थ्री ईयर्स डिस्पाइट हैविंग ए बायोकेमिकल रिकरेंस। अगर सिम्टोमेटिक रिकरेंस हो गया, मतलब अगर डिस्टेंस स्प्रेड के साथ यूजुअली आ गया, तो हम इसको मेटास्टेसिस डिजीज की तरह अभी इसको ट्रीट करेंगे। सो दिस इज क्वेश्चन अबाउट कि बाद में आ सकता है कि नहीं। सेकेंड थिंग इज दैट कि प्रोस्टेट के बिना मुझे कुछ मुश्किल हो सकता है कि नहीं। प्रोस्टेट के बिना कुछ मुश्किल नहीं होती, प्रोस्टेट एक एसेंशियल ऑर्गन नहीं है आफ्टर द रिप्रोडक्टिव लाइफ इज कंप्लीटेड। थर्ड यूजुअली क्वेश्चन होता है कि मेरा क्या तकलीफ हो सकता है आफ्टर डूइंग ए रेडिकल प्रोस्टेक्टिव। रेडिकल प्रोस्टेक्टिवी के बाद जो दो कॉमन प्रॉब्लम है, एक तो यूरिन के लीक्स का यूरिन कंट्रोल नहीं होता है, और सेकंड इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्शन। तो नाउ डेज विद ए रिसेंट एडवांस इन सर्जरी वी कैन प्रिजर्व इरेक्शन इन मोस्ट ऑफ द केसेस। कॉन्टिनेंस यूजुअली 6 मंथ में अच्छी खासी आ जाती है, 1 साल के बाद यूजुअली इनकॉन्टिनेंस बहुत रेयर है। मतलब यूरिन लीक आपको कंट्रोल आराम से कर सकते हैं आप। रात को कभी कभी लीक हो सकती है, दिन के टाइम को तो लीक नहीं रहती है। यूजुअली इमीडिएटली आफ्टर कैथेटर रिमूवल आजकल विद रिफाइनमेंट ऑफ टेक्निक्स कंट्रोल आ जाती है, बट विद इन 3 to 6 months अच्छी खासी कंट्रोल आ जाती है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुई इज आवर पेशेंट आस्क्स इज दैट पीएसए कितने फ्रिक्वेंटली करना चाहिए। हम सर्जरी के बाद में 3-3 महीने में पीएसए करने के लिए बोलते हैं। सर्जरी के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं पीएसए विल कम डाउन टू 0.05 to 0.1 nanogram per ml। उससे ज़्यादा जब होती है तब हम इसके फर्दर ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को बोलते हैं। सो द बेस्ट थिंग इज़ डोंट फियर इट मच। जस्ट विद एडवांसमेंट ऑफ ट्रीटमेंट मोर एंड मोर द डिजीज इज कमिंग अंडर कंट्रोल, वी हैव मोर एंड मोर बेटर ट्रीटमेंट। सो 5 years डाउन द लाइन मे बी बट स्टिल बेटर ट्रीटमेंट फॉर प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर finally is not as aggressive a disease as I said like liver cancer or gallbladder cancer, so nothing much to fear. We can definitely give a patient good quality of life, good control without any prolonged gloomy situation in the end. Namaskar.